नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करें में। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दशहरा पूजन विधि एवं सामग्री के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आइए आगे देखते हैं इस वीडियो में क्या है। रोली, मोली धागा या आप रक्षा सूत्र भी ले सकते हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, घी से भरा हुआ दीपक, कपूर, अक्षत के लिए चावल, गाय का गोबर, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की फोटो या तस्वीर, आम का पत्ता, नारियल, कलश, जल से भरा हुआ लोटा, गंगा जल और जल पात्र, पूजा की छोटी सुपारी, जनेहू, हल्दी पाउडर और माचिस, अष्टगंध तिल, बूंदी के लड्डू या फिर मिठाई, माला, कुछ टूटे हुए फूल, तुलसी दल, ऋतु फल, सूखा मेवा, पंचामृत बनाने के लिए गाय का कच्चा दूध, दही, मिश्री या आप शक्कर भी ले सकते हैं, शहद के शीशी और देसी घी, पंचमेवा, सूखा मेवा मतलब आप कोई भी ले सकते हैं, मखाने, बादाम, छुआरे, किशमिश, करी या कोई भी सूखा मेवा आप पांच ले सकते हैं पंचमेवा बनाने के लिए। सफेद वस्त्र, दशहरे की पूजा विधि। दशहरे के दिन कई जगह अस्त्र पूजन भी किया जाता है दोस्तों। वैदिक हिंदू रीति के अनुसार इस दिन श्री राम के साथ ही लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन घर के आंगन में गोबर के चार पिंड रलाकर गोल बर्तन जैसे बनाए दोस्तों। इन्हें श्री राम समेत उनके अनुजों की छवि माननी चाहिए दोस्तों। गोबर से बने हुए चार बर्तनों में भीगा हुआ थान और चांदी रख कर उसे वस्त्र से ढक दें। फिर उनकी गंध, पुष्प, द्रव्य आदि से पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य वर्ष भर सुखी रहता है। दशहरा पूरे वर्ष की अत्यंत तिथियों में से एक है। अन्य दो शुभ तिथियां हैं चैत्र शुक्ल एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। इस दिन लोग नया कार्य शुरू करते हैं, शस्त्र की पूजा करते हैं। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं, माँ दुर्गा की विशेष आराधनाएं देखने को मिलती हैं, रामलीला का आयोजन होता है, रावण का विशाल पुतला बनाकर जलाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके।